इस गांव की महिलाओं ने कभी भी लाल रंग की स्ट्रॉबेरी नहीं खाई है, क्योंकि इस पूरे गांव के लोग लाल रंग से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, और अगर इन लोगों को कोई पेड़ पौधा लाल रंग का दिख भी जाता है तो ये उसे तुरंत उखाड़कर जमीन में गाड़ देते हैं। इस गांव के लोग कभी भी इस गांव से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इससे उनकी जान जा सकती है। असल में गांव के चारों तरफ एक जंगल है जिसमें बेहद खतरनाक दिखने वाले राक्षस रहते हैं। कई सालों पहले इस गांव के पूर्वजों ने राक्षसों के साथ एक समझौता किया, जिसमें शर्त ये थी कि राक्षस उस वक्त तक गांव के लोगों को कुछ नहीं कहेंगे जब तक कोई गांववासी गांव से बाहर जंगल में अपना कदम ना रखते। पर अब लूकस नाम का ये मेंटल लड़का जंगल के अंदर जाकर लाल रंग के फल ले आया था, जिससे राक्षसों और इंसानों के बीच समझौता टूट चुका था। इसी रात को एक लड़का अजीब सा शोर सुनता है, और जब वो नीचे देखता है तो राक्षस गांव के अंदर आ चुका था, जिससे वो तुरंत बड़ा सा घंटा बजाकर सभी गांव वालों को जगाने लग जाता है। गांव वाले इस घंटे को सुनकर उस राक्षस से बचने के लिए छुपने लग जाते हैं। वहीं इस गांव में रहने वाली एक अंधी लड़की जिसका नाम ईवी है, वो राक्षस की दहाड़ सुनकर बहुत घबरा जाती है। राक्षस भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब आगे इस कहानी में क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है, जहां पर हमें एक विलेज को दिखाया जाता है जिसका नाम पेंसिल्वेनिया है। हालांकि इस गांव में हर तरह की खुशहाली है, लेकिन इस गांव से कभी कोई बाहर नहीं जा सकता। इस गांव के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं, साथ ही यहां पर एक वॉच टावर भी है जहां पर हमेशा कोई न कोई पहरा देता रहता है। दरअसल ये गांव जंगल के बीचों बीच था, इसलिए इन गांव वालों का दूसरे किसी भी गांव से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होता है, और जो लोग इस गांव के अंदर रहते हैं वो कभी भी बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ पर किसी तरह के कोई पैसे नहीं चलते, यहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और साथ ही यहाँ पर कोई किसी से भी शादी कर सकता है। लेकिन शादी का एक रूल होता है कि कोई भी किसी को पसंद करता है तो वो कभी उसका हाथ नहीं पकड़ता जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। खैर, अब यहाँ पर जो सीनियर लोग रहते हैं उन्हें एल्डर्स कहा जाता है। उन एल्डर्स में से एक एल्डर के बेटे की किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। दरअसल इस गांव में किसी भी तरह की अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की बीमारी का इलाज करना यहां पर पूरी तरह नामुमकिन है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, और तभी जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिसे सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसका नाम नोहा है। वो हंसने लगता है, लेकिन उसे कोई भी परेशान नहीं करता है और कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता है, क्योंकि इस गांव में रहने वाले सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गांव में एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद इस गांव के सभी एल्डर्स एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि आखिर उस जानवर को किसने मारा होगा। तभी गांव का नौजवान लड़का लूसियस वहां पर आ जाता है और सभी एल्डर्स से विनती करता है कि मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूं, ताकि मैं मेडिकल फैसिलिटी को यहां तक ला सकूं। हमारे आसपास जरूर दूसरे गांव होंगे, हमारे एक साथी की अभी अभी बीमारी की वजह से मौत हो गई है, अगर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी होती तो हम उसे बचा सकते थे। पर लूसियस की इस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से मना कर दिया जाता है। लूसियस की रिक्वेस्ट को मना करने का कारण ये था कि यहाँ गांव के आसपास जंगल में जितने भी क्रीचर्स थे वो पहले गांव पर आकर हमला किया करते थे, लेकिन एल्डर्स ने उनके साथ एक समझौता किया था, जिस समझौते के मुताबिक इस गांव से कोई भी कभी भी बाहर नहीं जाएगा, और एल्डर्स इस समझौते को नहीं तोड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो क्रीचर्स गांव में आकर एक बार फिर से इन लोगों के ऊपर हमला करेंगे। क्रीचर्स से समझौता सिर्फ यहाँ के एल्डर्स ने किया होता है और उन्होंने उन्हें देखा होता है, जबकि नई जनरेशन ने उन्हें नहीं देखा था। लेकिन नई जनरेशन को जंगल से उनकी आवाज आती रहती है और कई बार उन्हें बहुत सारे निशान भी मिलते हैं, इसलिए वो जानते थे कि जंगल के आसपास क्रीचर्स रहते हैं, और लूसियस उन क्रीचर्स से नहीं डरता था, इसलिए वो जंगल में जाना चाहता है, पर उसे इस बात की इजाजत नहीं होती है। इसी गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम ईवी है। ईवी देख नहीं सकती और उसकी सेंसेस और उसका दिमाग बहुत तेज होता है। वो नोआ के साथ लूसियस के पास जाती है और लूसियस से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये बात सच होती है कि लूसियस ईवी से प्यार करता है। लूसियस के पास नोआ भी होता है जिसकी दिमागी हालत खराब है। यहाँ लूसियस देखता है कि नोआ के हाथ में वो लाल रंग का फ्रूट है जो जंगल में पाया जाता है। इस गांव के अंदर कभी भी लाल रंग नहीं लाया जाता था, चाहे वो लाल रंग का कपड़ा हो या लाल रंग का कोई फूल या फ्रूट। साथ ही जब भी गांव में कोई लाल रंग देखा जाता है तो उसे जमीन में दफन कर दिया जाता है। खैर, अब लूसियस समझ जाता है कि नोहा जंगल के अंदर गया था और क्रीचर्स ने उसे कुछ नहीं किया।
इसलिए एक बार फिर से वो एल्डर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि नोहा के हाथ में वो लाल रंग का फ्रूट था जो सिर्फ जंगल के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब वो जंगल में गया था और उसकी मासूमियत की वजह से क्रीचर्स ने उसे कुछ भी नहीं किया और मैं भी क्रीचर्स से नहीं डरता हूँ, इसलिए मैं दूसरे गाँव में जाकर मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ तक लाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे इसकी इजाजत दे दी जाए। लेकिन एक बार फिर से एल्डर्स उसे मना कर देते हैं। अब लुसियस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि वो किसी भी तरह से इस गांव से बाहर जाकर मेडिकल फैसिलिटी को गांव तक लेकर आएगा। इसीलिए सबके मना करने के बाद भी अगली सुबह वो गांव की बाउंड्री से बाहर चला जाता है, जिस दौरान वो अपने सामने एक साये को देखता है जो कि क्रीचर्स का साया होता है। वो बाउंड्री के अंदर वापस आ जाता है। इसी रात को जो वॉच टावर पर पहरा दे रहा था उसे अपने वॉच टावर के नीचे एक साया दिखता है जो कि क्रीचर्स का साया था। ये देखकर वो पूरी तरह डर जाता है और बेल को जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है। बेल की आवाज सुनकर गांव वाले भी डर जाते हैं। दरअसल गांव में जितने भी घर हैं उन सब घरों के नीचे एक बेसमेंट है और जब भी इन्हें खतरे का एहसास होता है तब सभी उस बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन ईवी अभी बाहर होती है क्योंकि वो लुसियस का इंतजार कर रही थी। तभी लुसियस आता है और उसे भी बेसमेंट में ले जाता है, जिसके बाद पूरी रात इन्हें क्रीचर्स की आवाज आती है। और अगली सुबह जब गांव के लोग अपने बेसमेंट से निकलकर घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हर एक दरवाजे के बाहर लाल रंग का एक निशान है, जिसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि क्रीचर्स से किया हुआ समझौता अब टूट चुका है, यानी कि क्रीचर्स ने गांव वालों को एक वार्निंग दी है। इसके बाद पूरे गांव की मीटिंग होती है जहां पर सभी एल्डर्स परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब लुसियस कहता है कि मैं गांव की बाउंड्री से बाहर गया था और मैंने वहां पर एक क्रीचर को देखा, इसलिए कल रात को क्रीचर्स हमारे गांव के अंदर आए। यहां सब जानते हैं कि लुसियस के इरादे गांव के लिए अच्छे हैं, इसलिए उसे माफ कर दिया जाता है और समझाया जाता है कि आज के बाद वो कभी भी गांव की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। वहीं ईवी की बहन की शादी होती है जिस वजह से पूरा गांव खुश होता है। शादी के बाद जब लोग अपने अपने घरों में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घरों के बाहर किसी ने मरे हुए जानवर को लटका रखा है। जानवरों की बॉडी देखकर सब लोग एक बार फिर से डर जाते हैं। सबको डर लगता है कि क्रीचर्स आज भी गांव में आएंगे, इसलिए लुसियस फिर से ईवी के घर जाता है जहां वो दोनों एक साथ बैठते हैं और तय करते हैं कि जल्द ही दोनों शादी कर लेंगे। अगली सुबह पता चलता है कि नोआ, जिसकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है, उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बचपन से वो ईवी को पसंद करता था। इस वजह से अब उसके दिल में बदले की भावना जाग उठती है, जिसके चलते नोआ लुसियस को चाकू से जख्मी कर देता है। लुसियस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, साथ ही उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इस गांव में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। इसके बाद नोआ को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। ये एक ऐसा रूम होता है जिसमें कभी भी किसी को भी सजा के तौर पर बंद किया जाता है। अब नोआ इस रूम में बंद होता है क्योंकि वो कोई न कोई गलत काम करता रहता था। ईवी को जब पता चलता है कि नोआ ने लुसियस को चाकू से जख्मी कर दिया है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ ईवी के पिता एडवर्ड, जो कि गांव के एल्डर्स में से एक एल्डर हैं, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया था और अब मैं चाहता हूँ कि मैं जंगल में जाऊँ। लेकिन एडवर्ड की वाइफ उसे जाने से मना कर देती है और कहती है कि हम सब ने एक वादा किया था और हम उस वादे को नहीं तोड़ सकते। और अब ईवी भी तय कर लेती है कि वो इस जंगल को पार करके दूसरे टाउन में जाकर मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ पर ला कर रहेगी। उसके पिता एडवर्ड भी उसका साथ देते हैं और गांव के सभी एल्डर्स के खिलाफ जाकर उसे परमिशन दे देते हैं। पर इससे पहले कि वो अपने सफर पर निकलती कि तभी एडवर्ड उसे खास खुफिया कमरे के और बहुत सारे ऐसे राज बताते हैं जो कि आज से पहले कभी किसी को नहीं बताए गए थे। और अब ईवी के साथ गांव के दो और लड़कों को भेजा जाता है। वो दोनों के दोनों अपने सफर में बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन ईवी पूरी तरह से निडर होती है। उसके चेहरे पर उसके मन में किसी तरह का कोई डर नहीं होता है। दरअसल जब उसके पिता एडवर्ड उसे खुफिया कमरे में ले गए थे तो उन्होंने उसे इस गांव का राज बताया था। उन्होंने कहा था कि यहां पर कोई भी क्रीचर्स नहीं है। दरअसल गांव में जितने भी क्रीचर्स को देखा जाता है वो एल्डर्स में से कुछ लोग होते हैं जो कि क्रीचर्स की तरह कॉस्ट्यूम पहनकर जंगलों में जाते हैं और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी इस गांव से कभी भी बाहर न जा सके। अब ईवी को सच पता है, इसलिए उसके मन में किसी तरह का कोई भी डर नहीं होता है। उसके साथ जो दो लड़के होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि जंगल से क्रीचर्स की आवाज आ रही होती है, इसलिए वो वापस गांव की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन ईवी ऐसा नहीं करती क्योंकि उसके पिता एडवर्ड ने उसे बताया था कि जंगल से जो भी आवाजें आती है वो एल्डर्स द्वारा पेड़ों पर लगाए गए डिवाइस से आती है जो कि हवा चलने पर आवाज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें गांव में दिखाया जाता है जहां पर सभी एल्डर्स एडवर्ड से खफा होते हैं क्योंकि उसने अपनी बेटी को जंगल में भेज दिया था। वो सब कहते हैं कि हमने इतने सालों से मेहनत की थी और हमने एक सुरक्षित जगह बनाई थी, लेकिन अब ये रास्ता और हमारा राज जल्दी पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगा।
जिस पर एडवर्ड कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने अपनी बेटी ईवी को सब कुछ समझा दिया है। वहीं ईवी को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आगे बढ़ रही होती है, तभी वो एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाती है, पर किसी तरह वो उस गड्ढे से बाहर आ जाती है, जिस दौरान उसे क्रीचर्स की आवाज आना शुरू हो जाती है। हालांकि उसके पिता ने बताया था कि जंगल में कोई भी क्रीचर्स नहीं है, लेकिन गांव में ऐसी भी कहानियां प्रचलित थी जिसके अनुसार बहुत पहले क्रीचर्स होते थे और वो इंसान की नकल किया करते थे, जिसके बाद ईवी एक लकड़ी तोड़ती है, तब उसे सामने से भी लकड़ी तोड़ने की आवाज आती है। इसके बाद वो एक पत्थर फेंकती है, तब सामने से भी कोई पत्थर फेंकता है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि क्रीचर्स सच में उसके सामने है, इसलिए वो डरकर भागने लगती है। और तभी हमें उस क्रीचर को दिखाया जाता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। ईवी की सेंसेस बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए वो उससे बचकर भाग रही होती है, और जिस गड्ढे के अंदर कुछ देर पहले वो गिरने वाली थी वो उसी गड्ढे के सामने खड़ी हो जाती है। साथ ही उसे पता है कि उसके पीछे क्रीचर्स आ रहे हैं। इससे पहले कि क्रीचर उसे पकड़ता, वो सामने से हट जाती है और वो क्रीचर गड्ढे के अंदर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में दिखाया जाता है जहां पर सभी एल्डर्स उसी सीक्रेट रूम में जाते हैं जहां पर नोआ को कैद करके रखा गया था, लेकिन वहां पर नोआ नहीं होता है और वहां पर एक खुफिया रास्ता होता है। यहां पर कुछ सामान के साथ जानवरों की खाल भी होती है, यानी कि गांव में जितने भी जानवरों को मारा जा रहा था वो एल्डर्स नहीं मार रहे थे बल्कि नोआ मार रहा था, जिससे एल्डर्स भी परेशान थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोआ का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन वो दिमाग से बहुत ही शार्प है और उसे वो कॉस्ट्यूम मिल गई थी जिसे पहनकर एल्डर्स जंगल में घुमा करते थे, यानी कि उसके पास वैसा ही कॉस्ट्यूम था जिसे पहनकर वो भी जंगल में एल्डर्स की तरह घूमता था। इससे पता चलता है कि उसे एल्डर्स का राज पता चल गया था, इसलिए वो कभी भी किसी भी वक्त जंगल में चला जाता था। असल में जिस तरह से सभी एल्डर्स यहाँ पर रहने वालों के दिमाग से खेल रहे थे, उसी तरह नोआ भी उन सब एल्डर्स के दिमाग से खेल रहा था, लेकिन वो ईवी से प्यार करता था, इसलिए जब उसे पता चला कि लुसियस ईवी से शादी करने वाला है तो वो अपना आपा खो बैठा और उसने उसे मारने की कोशिश की, जिस वजह से लुसियस बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। खैर, जंगल में जो क्रीचर्स ईवी के पीछे थे, जो गड्ढे में गिर गया था, वो कोई और नहीं बल्कि नोआ होता है जो कि अब मर चुका था। यहाँ ईवी अपने सफर पर आगे बढ़ जाती है। उसके पिता एडवर्ड ने उसे खुफिया रास्ता बताया था। अब ईवी रास्ते पर चलते हुए एक ऊंची दीवार को पार करती है जहाँ पर हम सड़क देखते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिससे पुलिस वाला नीचे उतरता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 19th सेंचुरी नहीं बल्कि 24th सेंचुरी है, यानी कि ये हमारा वक्त था। यहाँ पुलिस वाला ईवी को देखकर हैरान होता है क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ जो एरिया है उसे एनिमल सेंचुरी कहा जाता है, जहाँ पर कभी कोई नहीं जाता था और ना ही इसके ऊपर कभी कोई प्लेन उड़ता था, क्योंकि ये प्लेन का रूट नहीं होता है, इसलिए गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि वो वक्त से बहुत पीछे जी रहे हैं। वहीं अंदर एल्डर्स को ये सच्चाई पता होती है क्योंकि उन्होंने उस गांव को बनाया है। इधर ईवी पुलिस वालों से कहती है कि मुझे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। ये कहते हुए वो उस पुलिस वाले को एक चिट्ठी देती है जो कि उसके पिता एडवर्ड ने उसे दी थी, और साथ ही उसे एक सोने की घड़ी भी देती है क्योंकि उसके गांव में पैसे नहीं होते हैं। हालांकि पुलिस वाला अपने सीनियर को बताना चाहता था, लेकिन जब वो ईवी की साफ नीयत और उसके दुख को देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दवाइयां लाकर ईवी को दे देता है और उसे उसी जगह छोड़ देता है जहां पर ईवी को उसने पहली बार देखा था। इसके बाद ईवी वापस अपने गांव में आ जाती है और जो दवा वो लेकर आई थी वो अपने पिता को दे देती है, जिसके बाद वो दवा एडवर्ड को दी जाती है। यहां ईवी सबको बताती है कि जंगल में उसका सामना क्रीचर से हुआ था, लेकिन अब वो मर गया है। ये सुनने के बाद नोआ के माता पिता समझ जाते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताते हैं और गांव में जितने भी लोग हैं उन सब के दिल में क्रीचर का डर अब भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि एल्डर्स ने इन क्रीचर्स को बनाया ही क्यों। दरअसल 1972 में जब एडवर्ड एक प्रोफेसर था, तब वो उन लोगों की काउंसलिंग किया करते थे जो बहुत ज्यादा दुख में थे, और उन सब के दुख का कारण ये दुनिया थी। इस दुनिया में बढ़ते क्राइम के चलते उन सब ने अपनों को खोया था, इसलिए प्रोफेसर ने उन सब के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने ऐसे गांव को बनाया जिसके बाहर कोई भी नहीं जा सकता और न ही बाहर से कोई इंसान यहां पर आ सकता था। दरअसल ईवी के पिता प्रोफेसर एडवर्ड बहुत ज्यादा अमीर थे, उनके पास उनके खानदान का बहुत पैसा था और उन्होंने अपने खानदानी पैसे से इस पूरी जगह को खरीद लिया था, जिसके बीचों बीच उन्होंने इस गांव को बनाया था। साथ ही वो पुलिस को फंडिंग भी किया करते थे ताकि कोई भी दीवार के उस तरफ आने की कोशिश ना करे, इसलिए पुलिस दीवार के चारों तरफ वाली सड़क पर घुमा करती थी ताकि दीवार के दूसरी तरफ कोई भी ना जा सके। साथ ही एडवर्ड गवर्नमेंट को फंडिंग भी किया करते थे ताकि कोई भी प्लेन उस जगह के ऊपर से ना उड़े। और वहीं ईवी ने ये गवाही दी होती है कि उसने जंगल में एक मॉन्स्टर को मारा है, जिससे एक बार फिर से सबके दिलों में डर बैठ चुका था, यानी कि इनका राज अभी भी राज ही रहेगा।
और गांव में जितने भी लोग हैं उन सबको एक पुराने तौर तरीकों वाली यानी कि 200 साल पुरानी जिंदगी को जीना होगा। ये सब बच्चे जब यहाँ पर आए थे तब वो बहुत छोटे थे और अब सब बड़े हो गए हैं, इसलिए इन्हें कुछ भी याद नहीं होता है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों आपका दिल से शुक्रिया हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।